हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। सो हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? ऑल गुड। सो गाइस, फाइनली आफ्टर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो हमारा एक पूरा ब्लैकआउट वीक था, वी आर फाइनली बैक ओवर द यूट्यूब चैनल्स। तो हमारा जो आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द टेम्परेट साइक्लोन, आज हम उस टॉपिक को बहुत डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं। वन ऑफ द मोस्ट कंसेप्चुअल टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। एंड गाइस, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज मैं दो टॉपिक को कवर करूंगा। वन इज टेम्परेट साइक्लोन एंड सेकेंड वन इज पोलर वर्टेक्स। आप लोगों ने बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे होंगे, बॉम्ब साइक्लोन अभी बहुत ज्यादा न्यूज में था। आपने अमेरिका में अभी बॉम्ब साइक्लोन के बारे में न्यूज सुनी होगी कि जो यूएसए और कैनेडा का पार्ट है, वहां पर टेम्परेचर -30, -40, -50 डिग्री तक पहुंच जाता है। उसके पीछे इस पोलर वर्टेक्स का क्या रोल है? क्या ये पोलर वर्टेक्स जो हमारे कनाडा यूएसए का पार्ट है, जो नदन पार्ट है, वो पूरा कंप्लीटली फ्रीज हो जाता है, उसके पीछे पोलर वर्टेक्स होता क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। और आज हम बात करेंगे टेम्परेट साइक्लोन के बारे में। ये दोनों चीजें एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेट करती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इन दोनों पोर्शन को कवर करने की कोशिश करेंगे। ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, टॉपिक पर रहेंगे, बातों को बहुत डिटेल में और अच्छे से जल्दी 40 to 50 मिनट्स के अंदर समझ के खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो सेशन होने वाला है, इसके अंदर मैं आप सबसे पहले बात करूंगा टेम्परेट साइक्लोन के बारे में। लास्ट और प्रीवियस क्लासेस में हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन को कवर किया था। यहां पर मैं उन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट आपको बताऊंगा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन में क्या डिफरेंस होता है। बहुत अच्छे से यूपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछ सकती है। एंड आफ्टर दैट हम बात करेंगे पोलर वर्टेक्स के बारे में। तो ये दोनों चीजें यहां पर कवर करने वाले हैं। एक बार जितने भी स्टूडेंट हैं, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, फिर हम इस सेशन को जल्दी से स्टार्ट कर रहे हैं। कम ऑन गाइस, लास्ट सेशन फ्रंट वाला था। फ्रंट वाले के बाद जो आज का सेशन है, दिस इज अबाउट द टेम्परेट साइक्लोन, तो उसको भी अच्छे से कवर करेंगे। लाइक शेयर कर दीजिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अगर मैं बात करूं अपने बारे में, दिस इज अनिरुद्ध मलिक। आई हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 6 इयर्स। आई टॉट एंड मेंटर मोर देन 30,000 ऑफ ऑफलाइन एंड लैक्स एंड करोड़ ऑफ ऑनलाइन स्टूडेंट। वहीं पर गाइस, बात करूं लास्ट ईयर की, अनअकैडमी ने लास्ट ईयर 333 सिलेक्शन दिए थे। रीजन है कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल प्लस इंटरव्यू, इन सभी चीजों का कंप्लीट कवरेज आपको एक ही जगह मिला था। दैट मीन्स यहाँ पर सारी चीजें आपको बहुत डिटेल में कवर होंगी, इसी वजह से सिलेक्शन रेट काफी हाई है। वहीं पर अगर हम बात करें गाइज, अनअकैडमी पर बहुत ही अमेजिंग टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए क्रिएट की गई है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट है वो चीजों को पढ़ लेते हैं, बट उनको एनालाइज करना, किस तरीके से उनकी प्रिपरेशन कर रही है, चल रही है, वो टेस्ट सीरीज उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज है, वो बहुत ही नॉमिनल प्राइस, सिर्फ आपकी 5,000 रुपीज में मिल जाएगी, जैसे ही आप कोड यूज करते हो कैपिटल AM10। और मेंस की टेस्ट सीरीज 15,000 रुपीज में मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको पूरा इवेल्युएशन मिलेगा, पूरी चेक होगी, पूरा आपको एनालाइज होगा, विद वीडियो के साथ आपको डिस्कशन मिलेगा उनका। तो सिर्फ आपको AM10 कोड यूज करना है और आपको चीजों के साथ पूरा कंप्लीट कवरेज मिल जाएगा। वहीं पर आपका आरंभ बैच 2024 के लिए इंग्लिश मीडियम का सितंबर 5 और सितंबर, दैट मीन्स टीचर डे पर आपके लिए ऑफर है। और मेरा आरंभ बैच जो लास्ट था, उसके अंदर आपको फिजिकल ज्योग्राफी चल रही है मॉर्निंग में 8 AM। तो आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं और फिजिकल ज्योग्राफी को कवर कर सकते हैं। अभी मैंने वहां पर जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट की है।
भी वॉइस का इशू आ रहा है, एक मिनट जस्ट वेट कीजिए, मैं एक मिनट वेट कीजिए, जस्ट गिव मी वन मिनट, एक मिनट रुकिए, मैं चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट रुकिए, जस्ट गिव मी वन मिनट। ओके, अब बताइए गाइस, अब भी वॉइस का इशू आ रहा है? नाउ ऑडिबल? नाउ एवरीथिंग इज क्लियर? अब सही है, फाइन, ओके 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 ओके। आई थिंक मेरे हिसाब से बैटरी में कुछ इश्यू होगा, तो हमने रिप्लेस करके दूसरा, आई थिंक इसकी बैटरी डाउन हो गई, आई थिंक मेरे हिसाब से, इस वजह से मैंने चेंज कर लिया। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं टेम्परेट साइक्लोन के बारे में। टेम्परेट साइक्लोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टेम्परेट साइक्लोन आता कहाँ पर है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। टेम्परेट साइक्लोन इसका नाम है, दैट मीन्स ये टेम्परेट रीजन में आएगा, डेफिनेटली इसमें कोई बहस करने वाली बात ही नहीं है। तो टेम्परेट रीजन का एरिया कौन सा है जहां पर ये टेम्परेट साइक्लोन देखने को मिलते हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि टेम्परेट साइक्लोन कहां पर देखने को मिलेंगे, तो आप बता सकते हो कि जो हमारा रीजन है, ये वाला रीजन है 30 डिग्री, ये रीजन है 60 डिग्री, और ये है यहाँ पर 90 डिग्री नॉर्थ पोल। तो आप बता सकते हो ये 30 से 60 डिग्री का जो रीजन है, दैट मीन जो सब पोलर प्लस जो सब ट्रॉपिकल के बीच का जो रीजन है, जर्नली यहां पर आपको टेम्परेट साइक्लोन देखने को मिलता है। तो आप बोल सकते हो जर्नली बिटवीन द लैटिट्यूड ऑफ 35 डिग्री, 35 से लेके 65 डिग्री का जो लैटिट्यूड है, इन लैटिट्यूड में टेम्परेट साइक्लोन देखने को मिलता है। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन बनता है कि सर ऐसा क्या है, ठीक है, ऐसा क्या है कि यहीं पर हमें टेम्परेट साइक्लोन देखने को मिल रहा है? देखिए, टेम्परेट साइक्लोन को बहुत अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगर आप देखोगे इसको कहीं पर आपको जाना जाएगा, इसका कहीं पर नाम होगा टेम्परेट साइक्लोन, कहीं पर इसका नाम होगा मिड लैटिट्यूड साइक्लोन, कहीं पर इसका नाम होगा एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ये डिफरेंट डिफरेंट नाम से आपको मिलेगा, और इसकी जो कंडीशंस हैं वो ट्रॉपिकल साइक्लोन से थोड़ा वेरी करती हैं। आपको अलग अलग लैटिट्यूड्स पर जनरली देखने को मिलेगा। आपके माइंड में आएगा सर जो ये वेरिएशन है फ्रॉम 35 डिग्री, समझने की कोशिश करना, फ्रॉम 35 से लेके 65 डिग्री, इतना बड़ा वेरिएशन क्यों है? ऐसा क्यों नहीं है कि टेम्परेट साइक्लोन 60 डिग्री पर है, ऐसा क्यों नहीं है ये 50 डिग्री पर आ रहा है, क्यों ऐसा वेरिएशन हो रहा है कि ये 35 से लेके 65 डिग्री के बीच में आ रहा है? उसके पीछे आपको मैंने प्रेशर बेल्ट पढ़ाया था, जो प्रेशर बेल्ट का कंसेप्ट है वहां पर आपको ये कंसेप्ट अपने आप में समझ में आ जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारा ऑक्लूडेड फ्रंट है, वो भी पढ़ना और समझ में आना बहुत जरूरी है इस साइक्लोन को समझने के लिए। ठीक है, क्लियर है? तो आइए जल्दी से हम बात करते हैं इस टेम्परेट साइक्लोन के बारे में एक एक करके। तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि ये जो टेम्परेट साइक्लोन है, टेम्परेट साइक्लोन इज अ साइक्लोनिक सिस्टम विच इज डेवलप बिटवीन द 35 to 65 डिग्री लैटिट्यूड, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इट इज ऑल्सो नोन एज द मिड लैटिट्यूड साइक्लोन, इट इज ऑल्सो नोन एज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन, इसको फ्रंटल साइक्लोन भी बोला जाता है। क्यों सर? क्योंकि ये फॉर्म होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट्स, जो फ्रंट्स का फॉर्मेशन होता है उसी के कारण ये साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है, एंड आल्सो नोन एज अ वेव साइक्लोन, इसको वेव साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। अब पॉइंट बनता है कि ये साइक्लोन आता कैसे है, क्यों होता है, क्या क्या चीजें? सर एक थ्योरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी, उस थ्योरी का नाम है पोलर फ्रंट थ्योरी, उस थ्योरी का नाम है पोलर फ्रंट थ्योरी। इस पोलर फ्रंट थ्योरी के अकॉर्डिंग टेम्परेट साइक्लोन आता कैसे है, वो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है हमें समझने के लिए। किसके? पोलर फ्रंट थ्योरी के अकॉर्डिंग। ये थ्योरी क्या बोलती है, पोलर फ्रंट थ्योरी, ये थ्योरी बोलती है कि अगर ये हमारी अर्थ है, ठीक है, यहां पर हमारा 0 डिग्री है, यहां पर हमारा 30 डिग्री है, यहां पर हमारा 60 डिग्री लैटिट्यूड है, और यहां पर हमारा 90 डिग्री लैटिट्यूड है। ये थ्योरी बोलती है कि जब दो एयर मासेस, और वो दोनों एयर मासेस डिफरेंट टेम्परेचर के हैं, समझना बहुत आराम आराम से चीजें, टू डिफरेंट एयर मासेस और वो एयर मासेस डिफरेंट टेम्परेचर के हैं, जब आपस में कोलाइड होते हैं, वहां पर क्या होता है, वहां पर आपका फ्रंट का फॉर्मेशन होता है, और जब फ्रंट का फॉर्मेशन होता है उसी टाइम पर टेम्परेट साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। ये चीजें याद रखना। कैसे? यहां पर जो ये हमारा 90 डिग्री है, दिस इज द हाई प्रेशर एरिया, वहीं पर अगर हम 60 डिग्री की बात करें, दिस इज अ लो प्रेशर एरिया, वहीं पर हम 30 डिग्री की बात करें तो दिस इज द एरिया ऑफ हाई प्रेशर, और वहीं पर इक्वेटर की बात करें दिस इज द एरिया ऑफ लो प्रेशर। हमने बात की थी जब हमने अपनी प्रेशर बेल्ट को पढ़ा था, याद रखना 50 मिनट्स के अंदर सब कुछ खत्म करके चला जाऊंगा, क्योंकि मैंने
ऑक्लूडेड फ्रंट बहुत डिटेल में पढ़ा है, एंड दिस इज ऑल अबाउट फ्रंट्स और ऑक्लूडेड फ्रंट, उससे ही रिलेटेड है। और उसके बाद पोलर वर्टेक्स का कंसेप्ट और इन दोनों में डिफरेंसेस है, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहां पर मैंने आपको बताया था कि जो विंड है उसका मूवमेंट ऑलवेज हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होगा, तो यहां पर ये 30 डिग्री हाई प्रेशर एरिया है, समझने की कोशिश करना, ये 30 डिग्री हाई प्रेशर एरिया है। अब इस 30 डिग्री हाई प्रेशर से विंड चलेगी आपकी लो प्रेशर की तरफ, क्लियर है। ऊपर से जो विंड है हाई प्रेशर से वो भी लो प्रेशर की तरफ आएगी, बट यहां पर एक कंसेप्ट होता है कॉरलिस फोर्स का। कॉरलिस फोर्स क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी, तो इसको राइटवर्ड डिफ्लेक्ट करेगी और इसको क्या करेगी, इसको भी राइटवर्ड डिफ्लेक्ट करेगी, समझने की कोशिश करना। बट यहां से जो 30 डिग्री से हाई प्रेशर जाएगी, जो सब ट्रॉपिकल एरिया है, यहां की जो विंड होगी वो कैसी होगी, वार्म होगी, गर्म होगी, क्योंकि भाई गर्म एरिया से जा रही है ना, 30 डिग्री पर जो टेम्परेचर है वो गर्म है, तो यहाँ की विंड कैसी होगी, वार्म होगी, तो यहाँ का जो एयर मास होगा वो कैसा होगा, वार्म एयर मास होगा, तो यहां से ये वार्म एयर मास गया इधर की तरफ, समझने की कोशिश करना, कहां पर गया, इधर की तरफ। अब ये वार्म एयर मास इधर की तरफ गया, आप देखोगे ऊपर से क्या आएगा, ऊपर से आएगा कोल्ड एयर मास, ऊपर से आएगा कोल्ड एयर मास। अब आप बोलोगे सर इसको बिल्कुल विजुलाइज करवा दीजिए कि फ्रंट का फॉर्मेशन कैसे होगा और क्या क्या चीजें किस तरीके से होगी, तो आइए बिल्कुल रियर विजुलाइज करवाते हैं हम इस कंसेप्ट को अपनी क्लास के अंदर फटाफट जल्दी से। यहां पर मैं इस इमेज को बनाता हूं, यहां पर समझने की कोशिश करना, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, इसको समझना बहुत अच्छे से। दिस इज द पार्ट ऑफ इक्वेटर, और इक्वेटर के बाद ये वाला जो पार्ट है ये है आपका नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल। यहां पर ये 30 डिग्री लैटिट्यूड है, 30 डिग्री लैटिट्यूड, यहां पर ये वाला लैटिट्यूड है 60 डिग्री लैटिट्यूड, क्लियर है, ये 60 डिग्री लैटिट्यूड। यहां पर ये इक्वेटर पर 0 डिग्री लैटिट्यूड है, और इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको लो प्रेशर एरिया बोलूंगा। वहीं पर ये 30 डिग्री है सब ट्रॉपिकल एरिया है, सब ट्रॉपिकल एरिया, और यहां पर इस सब ट्रॉपिकल एरिया को मैं हाई प्रेशर एरिया बोलूंगा। वहीं पर ये 60 डिग्री एरिया है, दिस इज द सब पोलर एरिया, और सब पोलर के साथ साथ ये लो प्रेशर एरिया है। वहीं पर ये पोलर एरिया है, और पोलर एरिया के साथ यहां पर ये आपका टेम्परेचर लो है, तो प्रेशर कैसा होगा, हाई प्रेशर एरिया है, क्लियर है। हमने बहुत बार चीजें पढ़ी है कि हमारी विंड्स किस तरीके से मूव करती हैं। आप लोगों को मैंने बताया था इक्वेटर पर ट्रेड विंड्स राइज होगी, वार्म एयर इक्वेटर पर राइज होगी, ऊपर जाएगी ट्रोपोपॉज तक, ऊपर जाने के बाद एक ब्रांच इधर आएगी और एक ब्रांच इधर चली जाएगी। उसके बाद यहां पर ये वाली ब्रांच है, ये ऊपर जाकर क्या होगी, ठंडी हो रही थी, ठंडी होने के बाद उससे ज्यादा वार्म नहीं हो सकती, तो ये क्या हो जाएगी, ट्रोपोपॉज के बाद एक ब्रांच इधर आ जाएगी, बट एक डिस्टेंस तक ही तो जा सकती है, उसके बाद इसके अंदर एनर्जी है वो खत्म, तो यहां पर आकर ये डिसेंड होगी इस तरीके से। अब यहां पर आकर डिसेंड होगी, अब डिसेंड आने के बाद एक ब्रांच सरफेस पे आने के बाद इधर की तरफ जाएगी और एक ब्रांच इधर की तरफ जाएगी, तो यहां पर जो ब्रांच ये पूरी सेल कंप्लीट की है, इस सेल को क्या बोलते हैं, कोई मुझे बताएगा, इस सेल को बोलते हैं हेडलेस सेल, इस सेल को बोलते हैं हेडलेस सेल। ये हेडलेस सेल का फॉर्मेशन हो गया हमारे लिए। अब यहां पर ये हेडलेस सेल का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद क्या होगा, एक ब्रांच इधर गई और एक ब्रांच इधर चली गई, ऊपर से पोल एरिया है, पोल से ठंडी हवा नीचे की तरफ सबसाइड करेगी, तो पोल से एक ब्रांच इधर की तरफ आ रही है, एक ब्रांच यहां से, ये दोनों टकराएंगी तो ऊपर की तरफ राइज करेंगी, ऊपर की तरफ आ गई यहां पर। अब ऊपर की तरफ आ गई तो यहां पर क्या होगा, इधर वाले एरिया पे ये ट्रोपोपॉज के पहुंचने के बाद एक ब्रांच यहां पर पहुंच जाएगी, फिर उसके बाद सबसाइड कर जाएगी इस तरीके से, और यहां पर एक ब्रांच यहां पर जाएगी और एक ब्रांच आगे तक चलने के बाद उसके बाद ये यहां पर जो हाई प्रेशर एरिया है डिसेंड कर जाएगी। तो ये जो सेल है इस सेल को बोलते हैं फेरल सेल, और यहां पर जो सेल है ये है पोलार सेल, पोलार सेल। तो यहां पर ये हमारी सेल का फॉर्मेशन हो चुका है, आप सभी लोगों को पता होगा। अब मैं आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट बताता हूं। अब यहां पर हमारा जब ये पूरी सेल का फॉर्मेशन हो तो आप समझिएगा, यहां से हमारी विंड गई, यहां से हमारी विंड गई इस तरीके से, ये जो विंड है ये इक्वेटर है, तो यहां पर जब हमारी इधर इस वाले हिस्से से यहां पर विंड जाएगी और ऊपर से आएगी इधर की तरफ, समझना, यहां पर क्या है, यहां पर लो प्रेशर एरिया है। ये सेल आपको समझ में आ गई, तो अब इसको सब कुछ हटा दीजिए, इसको सब कुछ हटा दीजिए। अब यहां पर समझिए इस कंसेप्ट को, यहां पर समझिए इस कंसेप्ट को। अब हमारी विंड हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से यहां से जो विंड जा रही है वो वार्म विंड होगी,
यहां से जो विंड जा रही है वो वार्म विंड होगी, आप लोगों को पता है, गर्म हवा है। गर्म हवा कहां पर जा रही है? इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। वार्म विंड यहां से जा रही है। अब क्या होगा, यहां से वार्म विंड जा रही है तो ऊपर से पोल से क्या आएगी? कोल्ड विंड आएगी। तो कोल्ड विंड क्या है? ठंडी है। और ठंडी हवा हमेशा क्या करती है? नीचे की तरफ डिसेंड करेगी, सबसाइड करेगी। तो यहां से ये वार्म विंड आ रही है इधर से, और इधर से कोल्ड विंड जा रही है। अब ये कोल्ड विंड क्या करेगी? इसको पुश करेगी वार्म विंड को कि भाई आप हल्की हो, अब आप ऊपर उठ जाइए। और ये उठ कहां पर रही है? अराउंड 60 डिग्री के अप्रोक्स। कहां पर उठ रही है? अराउंड 60 डिग्री पर। तो ये वार्म विंड ऊपर जाकर राइस करेगी इस तरीके से। वार्म विंड क्या करेगी? ऊपर जाकर राइस करेगी इस तरीके से। तो वार्म विंड उठ के ऊपर आ चुकी है। तो जब ये वार्म विंड ऊपर आएगी तो हल्की होगी, ऊपर जाएगी तो क्या हो रहा है? वार्म एयर राइस कर रही है, राइस करेगी तो इसके अंदर मॉइस्चर है, ठंडी होगी, और ठंडी होगी तो एक क्लाउड बनाएगी इस तरीके से, और क्लाउड बनाएगी तो रेनफॉल करेगी, और जब रेनफॉल करेगी तो वहां पर साइक्लोन आएगा। और इसी साइक्लोन को क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर फ्रंट्स बने हैं, और इसी फ्रंट को बोलते हैं फ्रंटल साइक्लोन। अगर कोई भी न्यू स्टूडेंट है उसको कोई भी डाउट है, तो पीछे मैंने एक या दो क्लासेस पढ़ाई है एयर मासेस और फ्रंट्स को लेके, उसके अंदर मैंने वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट, स्टेशनरी फ्रंट और ऑक्लूडेड फ्रंट पढ़ाया है। ऑक्लूडेड फ्रंट में अभी भी पढ़ाऊंगा आपको। तो मैंने आपको वहां पर एयर मासेस पढ़ाए हैं, तो यहाँ का वार्म एयर मास और यहाँ पर कोल्ड एयर मास दोनों मिलेंगे। इधर से ऊपर से आ रहा है कोल्ड एयर मास, इधर से आ रहा है वार्म एयर मास, दोनों मिले। कोल्ड एयर मास भारी है, वो नीचे बैठने की कोशिश करेगा। वार्म एयर मास हल्का है, वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो वार्म एयर राइज होगी, राइज होगी, राइज होगी, ऊपर जाकर ठंडी होगी, ठंडी होगी तो टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, और वही क्लाउड का फॉर्मेशन क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द रेनफॉल, और उसी को हम बोलते हैं टेम्परेट साइक्लोन। और अभी मैं बहुत अच्छे से और भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको पढ़ाने वाला हूँ। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। तो क्या बता, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का फॉर्मेशन हो गया। अब मैं आपको डेवलपमेंट ऑफ फेसेस पढ़ाऊंगा कि साइक्लोन के डेवलपमेंट के कितने फेसेस होते हैं, ये चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन, डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन, साइक्लोन के डेवलपमेंट के कितने फेजेस होते हैं, देखिए सबसे पहले क्या होगा, जब भी आपसे कोई पूछे डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन तो आपको सबसे पहले बताना है स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज, या आप बोल सकते हो बिगनिंग फेज, या आप बोल सकते हो बिगनिंग फेज। जब सबसे पहले साइक्लोन फॉर्म्ड होगा यह स्टेशनरी होगा, मतलब जब दो फ्रंट आपस में आके मिलेंगे, कहां पर? 60 डिग्री और आपके 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में। अभी मैं सब बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि वो 30 और 60 के बीच में फॉर्म्ड हो रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद क्या होगा कि जो आपका साइक्लोन है वो अपनी अडल्ट स्टेज में आएगा, या आप बोल सकते हो कि जो फ्रंट्स हैं, समझने की कोशिश करना, जो यंग अडल्ट फेज है, याद रखना कि यहां पर यंग अडल्ट फेज में आएगा। उसके बाद तीसरी स्टेज में क्या होगा, साइक्लोन मैच्योर स्टेज में आएगा, मैच्योर स्टेज, किस स्टेज में आएगा? मैच्योर स्टेज में आएगा। तीसरी स्टेज में क्या आएगा? मैच्योर स्टेज में आएगा। चौथी स्टेज क्या होगी साइक्लोन की? सबसे पहले तो बिगनिंग होगी जब फ्रंट मिलेगा, फिर वो थोड़ा सा बनना स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, मैच्योर स्टेज आएगी, फिर आएगी ऑक्लूजन की स्टेट। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसकी आएगी? ऑक्लूजन की स्टेट, जिसको हम बोलते हैं ऑक्लूडेड फ्रंट, ऑक्लूडेड फ्रंट, इसकी स्टेज। और उसके बाद क्या होगा, आपका साइक्लोन का डेसिपेशन हो जाएगा, मतलब साइक्लोन क्या हो जाएगा, हमारा डेसिपेट हो जाएगा, याद रखें क्या हो जाएगा, डेसिपेशन हो जाएगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा, डेसिपेशन हो जाएगा, हमारा साइक्लोन डेसिपेट हो जाएगा, साइक्लोन खत्म हो जाएगा। कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी एक एक करके। तो फटाफट यहां तक अगर आप सारी चीजें समझ गए हो तो आ जाइए जल्दी से, हम नेक्स्ट पॉइंट पर बताते हैं क्या क्या कैसे कैसे होने वाला है। यहां पर आइए, यहां पर आइए, आप अगर देखोगे यहां से जो पोल वाला एरिया है, इस पोल वाले एरिया से जो यहां पर विंड आएंगी, यहां पर इस वाले एरिया में ये कोल्ड विंड आएंगी, और यहां से सब ट्रॉपिकल वाले एरिया से जो जाएंगी वो वार्म विंड जाएंगी, दैट मींस द वार्म एयर मास का फॉर्मेशन होगा। अब आप यहां पर समझने की कोशिश करना कैसे कैसे कंडीशन होगी। यहां पर ये कोल्ड विंड आ रही है ऊपर से, ये वार्म विंड है, यहां से ये वार्म विंड जा रही है और यहां से कोल्ड विंड आ रही है। बहुत अच्छे से समझना, ये कोल्ड विंड है और यहां से ये वार्म विंड है। अब क्या होगा, कोल्ड विंड डेंसर है, कोल्ड विंड डेंसर और भारी है,
तो एक कोल्ड विंड क्या करेगी, एंटर करने की कोशिश करेगी, किसमें, नीचे बैठने की कोशिश करेगी, और वार्म विंड राइज करने की कोशिश करेगी। देखिए यहां पर क्या कर रही है, इसके एरिया में जो कोल्ड विंड है, कोल्ड यहां से वार्म विंड आ रही है, यहां से कोल्ड विंड, तो कोल्ड विंड क्या करेगी इसके एरिया में, ये वार्म एयर है, इसके एरिया में घुसने की कोशिश करेगी और इस वार्म विंड को ऊपर उठाने की कोशिश करेगी। हल्की है और ये भारी है, तो इस वजह से इसको उठाने की कोशिश करेगी। तो आप देख रहे हो कोल्ड विंड क्या कर रही है, इसके एरिया में एंटर कर रही है, इसके एरिया में एंटर कर रही है। अब क्या होगा, कोल्ड विंड और इसके एरिया में एंटर करेगी। आप देख रहे हो पहले कोल्ड विंड कितना, पहले यहां पर थी कोल्ड विंड, अब कोल्ड विंड ने इसके एरिया में यहां पर एंटर कर चुकी है इतने एरिया में। उसके बाद कोल्ड विंड और ज्यादा एरिया में, यहां से लेके कोल्ड विंड क्या कर चुकी है, इसके और ज्यादा एरिया में एंटर कर चुकी है। दैट मींस पहले वार्म विंड यहां थी, उसके बाद वार्म विंड इतनी उठी, अब और ज्यादा उठ गई। तो पहले जो इतना एरिया था यहां से उठा, तो कोल्ड विंड यहां तक आई, फिर वार्म विंड और उठी तो यहां तक आई, फिर वार्म विंड और उठेगी तो इसके कोल्ड विंड क्या कर रही है, इसके एरिया में एंटर करती जा रही है। सेम कंडीशन यहां पर होगी, तो कोल्ड विंड जब इसके एरिया में एंटर कर रही है, वार्म विंड को ऊपर की तरफ उठा रही है, तो जब वार्म विंड ऊपर राइज होगी तो धीरे धीरे थोड़े से क्लाउड का फॉर्मेशन भी होगा। समझने की कोशिश करना, जब वार्म विंड ऊपर की तरफ उठेगी तो क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। अब क्या होगा, एक कंडीशन में कोल्ड विंड और कवर करेगी, एक कंडीशन में कोल्ड विंड और कवर करेगी इस एरिया को, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो नीचे का हिस्सा है यहां पर पूरे एरिया में कोल्ड विंड आ जाएगी और वार्म विंड ऊपर की तरफ होगी, ऊपर के हिस्से में वार्म एयर और नीचे के हिस्से में कोल्ड एयर। तो जिस टाइम पर कोल्ड विंड और वार्म विंड में जो गैप है, यहां पर देखिए ये वाला हिस्सा, दैट मीन जब कोल्ड विंड अच्छे से पूरी कंप्लीटली राइज हो जाए इस तरीके से, ये कोल्ड विंड नीचे पूरी डिसेंड हो जाए और वार्म विंड पूरी सरफेस से उठ जाए, मतलब क्या हो रहा है, वार्म विंड ऊपर उठी, कोल्ड एयर आई, अब ऊपर से और पोलर एरिया से और ड्राई एयर आ रही है, तो पोलर एरिया से जो ड्राई एयर आ रही है ना, वो इस नीचे का जो वैक्यूम है इसको कवर कर रही है, तो इस पूरे हिस्से को कोल्ड विंड ने कवर कर लिया और पूरे वार्म विंड को अपलिफ्ट कर दिया। और जिस टाइम पर वार्म विंड कंप्लीटली अपलिफ्ट कर जाती है और कोल्ड विंड कंप्लीटली पूरे एरिया को कवर कर लेती है, उसको बोलते हैं ऑक्लूडेड फ्रंट, ऑक्लूजन का फॉर्मेशन होना। ऑक्लूजन का मतलब है नीचे के एरिया पर पूरा कोल्ड एरिया और वार्म विंड कंप्लीटली अपलिफ्ट हो चुकी है, इसका मतलब यहां पर साइक्लोन डेसिपेट हो चुका है, साइक्लोन खत्म हो चुका है। जब तक वार्म विंड इस तरीके से धीरे धीरे उठती रहेगी तब तक है साइक्लोन, और जब ये उठेगी ना तो यहां पर किसका फॉर्मेशन होगा, यहां पर आपका क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, स्टेटस क्लाउड, इन सब का फॉर्मेशन होगा। आइए मैं आपको यहां पर दिखाता हूं किस तरीके से वो फॉर्मेशन हो रहा है। यहां पर देखिए ना, जब ऑक्लूडेड फ्रंट होगा यहां पर निम्बो स्टेटस क्लाउड बनेंगे और यहां पर साइड में पूरा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बन जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरा एरिया आप देख रहे हो, यहां पर ये पूरा ये वाला हिस्सा किसका है, कूल एयर का, और यहां पर ये पूरा हिस्सा किस चीज का है, कूल एयर का। तो पूरे जो ग्राउंड वाला एरिया है यहां पर पूरे हिस्से पर तो कोल्ड एयर आ चुकी है और वार्म एयर कंप्लीटली अपलिफ्ट हो चुकी है और वहां पर क्लाउड का फॉर्मेशन हो चुका है। तो जब ये अपलिफ्ट हो रही थी तो एकदम क्लाउड नहीं बने, आपका कहीं पर ऑल्टो स्टेटस बनेंगे, यहां पर साइरो स्टेटस बनेंगे, निम्बो स्टेटस बनेंगे। बट वो टाइम जब वार्म विंड कंप्लीटली अपलिफ्ट हो जाएगी तो वहां पर ऑक्लूडेड फ्रंट का फॉर्मेशन होगा, ऑक्लूजन का फ्रंट का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब वार्म विंड कंप्लीटली अपलिफ्ट, कोल्ड एयर नीचे की तरफ आ गई, जिसके कारण अब साइक्लोन डेसिपेट हो चुका है, साइक्लोन खत्म हो चुका है। ये है आपका टेम्परेट साइक्लोन का कंसेप्ट। ठीक है, समझ में आ गया। किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी चीज समझ में ना आई हो तो मुझे बता सकते हैं, एनी वन ऑफ यू, कि सर मुझे चीजें यहां पर ये चीजें कंसेप्ट और ये पॉइंट समझ में नहीं आया। ठीक है, फटाफट जल्दी से बता दीजिए, एनी वन ऑफ यू, कि सर मुझे नहीं आया, मुझे नहीं आया। किसी को भी कोई भी डाउट हो तो बता सकता है, कुछ भी डाउट, एनी वन ऑफ यू, किसी को भी। तो यही तो हुआ ऑक्लूडेड फ्रंट में, कैसे कैसे हुआ, क्या क्या चीज हुई। अब आइए आप यहां पर पढ़ लीजिए, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला द वार्म एयर ग्लाइड्स ओवर द कोल्ड एयर, मतलब वार्म एयर ग्लाइड कर रही है कोल्ड एयर के ऊपर, ठीक है, एंड द सिक्वेंस ऑफ क्लाउड्स अपीयर। जैसे जैसे वार्म एयर कोल्ड एयर से ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट करेगी तो यहां पर क्लाउड बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर उठेगी
गर्म हवा ठंडी होगी तो क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, और उसके बाद जब क्लाउड बनना स्टार्ट हो जाएगा तो जो स्काई है उसमें वार्म फ्रंट का फॉर्मेशन होगा, और उसके बाद प्रेसिपिटेशन होगा। जैसे जैसे वार्म एयर ऊपर उठेगी धीरे धीरे करके प्रेसिपिटेशन होगा। उसके बाद जब कोल्ड फ्रंट अप्रोचेस द वार्म फ्रंट बिहाइंड एंड पुशेस द वार्म एयर, जब कोल्ड फ्रंट वार्म एयर को पुश करेगा और वार्म एयर कंप्लीटली अपलिफ्ट हो जाएगी ऊपर की तरफ, उसके बाद क्या होगा, क्यूमुलस क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। यहां पर क्या होगा, क्यूमुलस क्लाउड का, दैट मींस वर्टिकल क्लाउड का फॉर्मेशन होगा क्यूमुलस क्लाउड का। और वहां पर जब क्यूमुलस क्लाउड का फॉर्मेशन होगा तो रेनफॉल होगी। अब रेनफॉल होगी तो क्या होगा उसके बाद, उसके बाद जो साइक्लोन है वो वेल डेवलप्ड हो जाएगा। अब क्या होगा, धीरे धीरे करके जो वार्म एयर है वो कंप्लीटली अपलिफ्ट हो जाएगी, और जब वार्म एयर कंप्लीटली अपलिफ्ट हो जाती है तो वहां पर फॉर्म्ड होता है ऑक्लूजन का, ऑक्लूडेड फ्रंट का, दैट मींस वार्म एयर कंप्लीटली अपलिफ्ट और नीचे के हिस्से पर पूरा कोल्ड फ्रंट, ठीक है। दस द टेम्परेट साइक्लोन इंटेंस फ्रंटोजेनेसिस इन्वॉल्व एंड मेनली ऑक्लूजन टाइप का फ्रंट का फॉर्मेशन होगा, और जब वो कंप्लीटली अपलिफ्ट हो जाएगी तो वहां पर साइक्लोन क्या हो जाएगा, डेसिपेट हो जाएगा। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यही पॉइंट बोला गया है, और सबसे ज्यादा कहां पर देखने को मिलता है, यूएसए और कनाडा वाले रीजन में देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि यहां पर ये वार्म एयर जा रही है, ऊपर से कोल्ड एयर जा रही है, तो यहां पर ये आपका फॉर्मेशन मिलेगा। अब क्वेश्चन है कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है। जनरली आप देखोगे ट्रॉपिकल साइक्लोन की डायरेक्शन होती है ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में, इस तरीके से चलता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, क्योंकि ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स होती हैं। बट जो टेम्परेट साइक्लोन है ना वो आपको वेस्ट से ईस्ट की तरफ दिखेगा, क्योंकि यहां पर चल रही है वेस्टर्ली ट्रेड विंड। क्या चल रही है गाइस, वेस्टर्ली ट्रेड विंड चल रही है, एंड ड्यू टू वेस्टर्लीज इनको जो और पुश मिलता है वो पुश मिलता है इनको जेट स्ट्रीम से। जेट स्ट्रीम क्या करती है, यहां पर जो जेट स्ट्रीम मिनिंड्रिंग फॉर्म में है वो इनको पुश करती है और इंटेंसली, जिसके कारण विंटर में जेट स्ट्रीम और स्ट्रॉन्गर हो जाती है, तो इनको पुश मिलता है जिसके कारण यहां पर ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं टेम्परेट साइक्लोन। ये पॉइंट याद रखना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ट्रॉपिकल साइक्लोन हमेशा वाटर के ऊपर ओरिजिनेट होंगे। ट्रॉपिकल साइक्लोन हमेशा वाटर के ऊपर ओरिजिनेट होंगे। रीजन पता है क्यों? रीजन इसलिए क्योंकि उसको जो सोर्स ऑफ एनर्जी मिल रही है वो वाटर से मिल रही है। बट यहां पर ये किसके कारण फॉर्म्ड हो रहे हैं, ये फ्रंट्स के कारण फॉर्म्ड हो रहे हैं। तो जो फ्रंट्स का फॉर्मेशन है वो आपका रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि वाटर कहां से आ रहा है, उसमें से जो नीचे का सेंटर में लो प्रेशर बना था कहां पर, ट्रॉपिकल साइक्लोन में, इसमें वो जरूरत नहीं है। जिसको भी डाउट है कैसे बना क्या क्या, वो हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन में कवर कर दिया। बट यहां पर वो चीजों की जरूरत नहीं है। यहां पर दो फ्रंट मिले, वो आपका मान के चलिए मेरे पास यहां पर ये लैंड एरिया है, यहां पर ये ओशियन एरिया और यहां पर लैंड एरिया है। तो ये ओशियन एरिया में अगर फ्रंट मिले, ये कोल्ड फ्रंट है, ये वार्म फ्रंट है, वार्म फ्रंट राइज हुआ तो इतना एरिया ओशियन का है तो यहां पर रेनफॉल करेंगे। बट अगर ये वाला हिस्सा लैंड का है बट ये वार्म फ्रंट, तो लैंड के ऊपर भी आएगा ना, और लैंड के ऊपर आएगा जब वार्म एयर मास ऊपर उठेगा तो यहां पर भी तो रेनफॉल करेगा। तो ये फ्रंटल साइक्लोन है, दैट मींस ये लैंड के ऊपर भी आएगा और ये ओशियन के ऊपर भी आएगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन की तरह सिर्फ ओशियन के ऊपर नहीं आएगा, ये चीज याद रखना। टेम्परेट साइक्लोन ओरिजिनेट 35 टू 65 डिग्री लैटिट्यूड बोथ नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। उसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेम्परेट साइक्लोन आपका इसके साथ साथ लैंड और ओशियन दोनों एरिया में आता है, ये भी याद रखना है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो टेम्परेट साइक्लोन होता है उसका जो एरिया होता है वो मोर देन 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा हो सकता है, दैट मींस बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी जो रेनफॉल होती है वो बहुत ज्यादा हैवी नहीं होती बट बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक होती है, मे बी 10 से 15 दिनों तक कंटिन्यूस रेनफॉल होती रहती है, क्योंकि धीरे धीरे वार्म एयर राइज करती रहेगी और आगे एरिया में रेनफॉल करती रहेगी। वहीं पर ट्रॉपिकल साइक्लोन छोटे एरिया में आता है, रेनफॉल कम टाइम पीरियड के लिए आती है बट बहुत इंटेंस आती है, बहुत डिवास्टेटिंग आती है उस एरिया में जहां पर वो इंपैक्ट करती है, ये चीजें याद रखना। अभी मैं आपको आगे चल के इनके डिफरेंसेस पढ़ाऊंगा जो आपको और अच्छे से समझ में आएंगे। क्लियर है, समझ में आ गया, किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी, किसी को भी कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो बताइए फटाफट। एक बार चीजें क्लियर है लाइक शेयर जरूर कर दीजिए।
अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाऊंगा जो आपको लाइफ टाइम याद रहेगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कैसे आपको चीजें समझ में आएंगी। आइए मैं आपको थोड़ी सी चीजें पढ़ाता हूं। इस चार्ट को समझ गए ना, आप अपनी लाइफ में ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन को कभी गलत नहीं करोगे। यहां पर मैं डिफरेंस पढ़ाऊंगा ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन में बहुत ही अच्छे से। आइए जल्दी से चीजों को समझते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ओरिजिन। देखिए इसका जो ओरिजिन है ना, वो थर्मल ओरिजिन है। ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो ओरिजिन है ना, वो थर्मल ओरिजिन है। थर्मल मतलब ड्यू टू द टेम्परेचर, टेम्परेचर के कारण ओरिजिनेट हो रहा है। मतलब जब टेम्परेचर हाई होगा, जब सी सरफेस टेम्परेचर मोर देन 27 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, उसी एरिया में हाई टेम्परेचर होने के लिए सेंटर में लो प्रेशर बनेगा, और जब तक सेंटर में लो प्रेशर नहीं बनेगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्योंकि जब सेंटर में लो प्रेशर बनेगा ना, तभी तो हाई प्रेशर से विंड आके कन्वर्स करेंगी इस वाले एरिया में। ये भी आपको याद रखना है, पहला पॉइंट। तो दैट मीन्स ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है, थर्मल ओरिजन है। वहीं पर आपका जो टेम्परेट साइक्लोन है, ट्रॉपिकल तो थर्मल है, ये किसका है, ये आपका डायनेमिक ओरिजन है। क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रेल प्ले कर रहे हैं। कॉरलिस फोर्स कर रही है, कॉरलिस फोर्स के कारण ये डिफ्लेक्शन हो रहा है। उसी के साथ साथ एयर मासेस, एयर मासेस मतलब यहां से ऊपर से कोल्ड एयर मासेस आ रहा है, नीचे से वार्म एयर मासेस आ रहा है। तो दैट मीन्स इट इज नॉट ड्यू टू द टेम्परेचर, टेम्परेचर का रोल नहीं है। क्योंकि टेम्परेचर का रोल होता तो टेम्परेट एरिया में तो बहुत लो टेम्परेचर है, बट यहां पर किसका है, एयर मासेस का। और एयर मासेस भी दो डिफरेंट एयर मासेस, वार्म और कोल्ड। वार्म नीचे से जा रहा है, कोल्ड ऊपर से आ रहा है, दोनों मिलेंगे, वार्म राइज करेगा, तो इट इज डायनेमिक कंसेप्ट, ठीक है। और ये थर्मली ओरिजन है, टेम्परेचर के कारण ओरिजन है। पहला पॉइंट डिफरेंस क्लियर है। कहां पर आता है, हमेशा याद रखना, ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है 10 से 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ में 10 से 30 डिग्री पर। अब क्वेश्चन बनेगा कि सर यहां पर इन्होंने 0 to 30 क्यों नहीं कहा, क्योंकि 0 से 5 डिग्री के अप्रोक्स और 0 से 10 डिग्री के अप्रोक्स जो आपका कॉरलिस फोर्स है वो एब्सेंट होती है। क्योंकि इक्वेटर पर कॉरलिस फोर्स प्रेजेंट नहीं होती, और कॉरलिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विल्डिंग। जो हमारे साइक्लोन में विल्डिंग होता है, रोटेशनल इस तरीके से विल्डिंग विंड राइज करती है, वो तब तक नहीं होगी जब तक कॉरलिस फोर्स नहीं होगी, और इक्वेटर पर कॉरलिस फोर्स एब्सेंट होती है, याद रखना। इसी वजह से 0 से 5 डिग्री लैटिट्यूड पर आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं आएगा। क्लियर है, किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी। नेक्स्ट है टेम्परेट साइक्लोन, 35 से 65 डिग्री लैटिट्यूड पर आता है। क्लियर है क्यों, और सबसे इंपॉर्टेंट है, मोर प्रोनाउंस इन द नदर्न हेमिस्फेयर। नदर्न हेमिस्फेयर में ज्यादा आता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों है, इसलिए ऐसा है क्योंकि नदर्न हेमिस्फेयर में लैंड एरिया काफी अच्छे से है, वहीं पर सदर्न हेमिस्फेयर में वाटर बॉडी ज्यादा है। इट मींस सदर्न हेमिस्फेयर में, पूरे सदर्न हेमिस्फेयर में सिर्फ 19% लैंड एरिया है और 81% ओशियन और वाटर बॉडी है। वहीं पर नदर्न हेमिस्फेयर में अप्रोक्स 40% लैंड एरिया है। तो लैंड और ओशियन होने के कारण वहां पर टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण नदर्न हेमिस्फेयर में जनरली टेम्परेट साइक्लोन स्ट्रॉन्गर देखने को मिलता है, उसका इंपैक्ट ज्यादा देखने को मिलता है। क्लियर है, ड्यू टू द ग्रेटर टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट इन द नदर्न हेमिस्फेयर। क्यों, क्योंकि लैंड और ओशियन के अंदर ड्यू टू द डिफरेंट स्पेसिफिक हीट, दोनों की गर्म होने की और ठंडे होने का जो रेशियो है वो अलग अलग है, इसी वजह से यहां पर नदर्न हेमिस्फेयर में ज्यादा आपके टेम्परेट साइक्लोन देखने को मिलते हैं। क्लियर है, किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी। तो ये दो डिफरेंसेस हो गए दोनों में। आगे बात करूंगा, यहां पर फ्रंटल सिस्टम एब्सेंट है, दैट मींस बिकॉज दे आर टेम्परेचर थर्मली ओरिजन। यहां पर किसी भी तरीके का कोई भी फ्रंट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है ट्रॉपिकल साइक्लोन में। वहीं पर यहां पर फ्रंटोजेनेसिस का फॉर्मेशन हो रहा है। व्हाट इज फ्रंटोजेनेसिस, फ्रंटोजेनेसिस का मतलब है जब दो डिफरेंट एयर मासेस, दो डिफरेंट टेम्परेचर के आपस में मिलते हैं, जिस पॉइंट पर वो मिल रहे हैं वहां पर एक फ्रंट बन रहा है। जैसे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है ना, हम उसको फ्रंट बोलते हैं। तो जब ये दोनों मिलते हैं यहां पर, उसको फ्रंट बोलते हैं। वो फ्रंट का फॉर्मेशन यहां पर होता है टेम्परेट साइक्लोन में, बट ट्रॉपिकल साइक्लोन में एब्सेंट होता है। वहां पर तो सेंटर में लो प्रेशर है, और उस लो प्रेशर पर
हाई प्रेशर कन्वर्ज हो रहा है, याद रख, क्लियर है। उसी के साथ साथ फॉर्मेशन कैसे होती है, उसकी फॉर्मेशन होने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो 26 और 27 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, क्लियर है। और जैसे ही ये लैंड पर पहुंचता है ये डेसिपेट हो जाता है, दैट मींस खत्म हो जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये आपका बोथ लैंड एज वेल एज सी दोनों के ऊपर फॉर्म्ड होता है, याद रख, समझ में आ गया, क्लियर है। आगे बात करते हैं आगे की तरफ। अब हम बात करते हैं सीजन कब आता है, लेट समर सीजन में आता है। जनरली ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो अक्टूबर और सितंबर में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, जुलाई के बाद अक्टूबर सितंबर में जनरली देखने को मिलते हैं। वहीं पर टेम्परेट साइक्लोन इरेगुलर होते हैं, समर में भी आते हैं बट जनरली जो सबसे ज्यादा आते हैं वो विंटर सीजन में आते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, कब आते हैं, विंटर सीजन में आते हैं आपके ट्रॉपिक टेम्परेट साइक्लोन। उसके साथ साथ जो साइज है इसका, साइज लिमिटेड होता है। लिमिटेड मतलब ये 100 से लेके 500 किलोमीटर तक के एरिया में होता है, 100 से लेके 500 किलोमीटर तक के एरिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन स्प्रेड होता है। वहीं पर इसकी जो स्ट्रेंथ है वो वेरी करती है, कहीं पर सुपर साइक्लोन आएगा जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, बट पॉइंट इज दैट कि इसकी इंटेंसिटी थोड़ा हाई होती है, काफी हाई इंटेंशन के साथ आता है, ज्यादा डिवास्टेटिंग इंपैक्ट होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन का। वहीं पर जो एरिया है इसका टेम्परेट साइक्लोन का वो बहुत वास्ट एरिया को कवर करता है, पूरे कॉन्टिनेंट के कॉन्टिनेंट को कवर कर देगा, यूरोप के वेस्ट से लेके ईस्ट तक के कॉन्टिनेंट के पार्ट को। दैट मींस इट कवर एन एरिया अराउंड 300 to 2000 किलोमीटर तक के एरिया को कवर करता है। और ये भी रीजन टू रीजन वेरी करता है कि किस रीजन में इसकी इंटेंसिटी कितनी हाई है कितनी लो है। और जब मैं पोलर वर्टेक्स का कंसेप्ट पढ़ाऊंगा तो आपको चीजें और डिटेल में समझ में आएंगी, जो बॉम्ब साइक्लोन का कंसेप्ट था अभी नदन पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका का जो एरिया है वहां पर टेम्परेचर -40 -50 डिग्री तक चला जाता है। और इट इज नॉट न्यू, जैसे जैसे ये आएगा न्यूज में हमेशा दोबारा आ जाता है व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ पोलर वर्टेक्स, वो हम आज समझेंगे, क्लियर है। उसी के साथ साथ जो इसका इलेप्टिकल पाथ होता है, इसका पाथ कैसा होता है, इलेप्टिकल होता है आपका, किसका, आपका टेम्परेट ट्रॉपिकल साइक्लोन का। वहीं पर जो टेम्परेट साइक्लोन है इसका इन्वर्टेड व्यू होता है, क्योंकि जब आप देखोगे ये वार्म एयर पूरी ऊपर राइज कर जाएगी तो यहां पर जो ऑक्लूडेड फ्रंट बनेगा ये इन्वर्टेड वी बनता है इस शेप में, यहां पर जो ऑक्लूजन का फॉर्मेशन होगा यहां पर ये इन्वर्टेड वी शेप में होता है, ठीक है। जो टेम्परेट साइक्लोन है ये इन्वर्टेड वी शेप में होगा, आप कभी भी देखना यहां पर जब भी ये फॉर्म्ड होगा तो यहां पर ये इन्वर्टेड वी शेप में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि नीचे के हिस्से पर पूरी कोल्ड एयर आ जाएगी और वार्म एयर ऊपर अपलिफ्ट कर जाएगी, याद रखना। तो इट इज इन इन्वर्टेड वी, और वो किस में होता है, टेम्परेट ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन आपका एक इलेप्टिकल पाथ में होता है, क्लियर है, इलेप्टिकल पाथ में। रेनफॉल कैसी होती है, रेनफॉल बहुत हैवी होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन में, बट कुछ घंटों के लिए होती है, बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं होती, ये चीज याद रखना, क्लियर है। वहीं पर टेम्परेट साइक्लोन में रेनफॉल थोड़ा कम होता है, धीरे धीरे एयर राइज करती है, बट काफी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड तक आपको देखने को मिलती है और कहीं कहीं पर हफ्तों तक चलती है ये जो टेम्परेट साइक्लोन में रेनफॉल आती है। वहीं पर अगर मैं बात करूं इसकी जो वेलोसिटी होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन में वो बहुत ज्यादा होती है, 100 to 250 किलोमीटर। वहीं पर इसकी जो स्पीड होती है वो थोड़ी स्लो होती है, याद रखना। इसका डिस्ट्रक्शन ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि टोरेंशियल रेनफॉल होती है विद हाई स्पीड ऑफ विंड होती है, इसका डिस्ट्रक्शन थोड़ा सा कम होता है, याद रखना, क्लियर है आपका टेम्परेट साइक्लोन का। वहीं पर आइसोबार, आइसोबार और कंप्लीट सर्कल एंड द प्रेशर ग्रेडियंट आर स्टीप, और यहां पर ये लास्ट टू लाइफ लाइफ टाइम डजंट लास्ट फॉर मोर देन अ वीक, एक हफ्ते से ज्यादा नहीं होते। और वहीं पर ये वाले जो होते हैं ये आपके 2 से 3 हफ्तों तक देखने को मिलते हैं जो आपके टेम्परेट साइक्लोन है, और ये एक हफ्ते भी पूरे टिक नहीं पाते, याद रखना। ये पूरी कंडीशन है कि कहां पर बनेंगे, कैसे कैसे बनेंगे, ये चीज याद रखना, ठीक है। यहां पर वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में होते हैं और ये आपका ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में होते हैं, ये चीज याद रखना। आपके टेम्परेट और ट्रॉपिकल साइक्लोन के कंसेप्ट को लेके मैंने आपको बता दिया। यहां पर लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन का है, यहां पर दो डिफरेंट एयर मासेस का कंसेप्ट है, यहां पर जेट स्ट्रीम का एज सच रिलेशन नहीं है। और वहीं पर टेम्परेट साइक्लोन में जब डिस्टिंक्ट टेम्परेचर हो जाता है
तो यहां पर रोसबी वेव जनरेट होती है, वहां पर कौन कौन सी दो टाइप की जेट स्ट्रीम है, एक तो 30 डिग्री पर सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम और एक 60 डिग्री पर सब पोलार जेट स्ट्रीम। तो जो सब पोलार जेट स्ट्रीम है ये इंपैक्ट करती है और इसके कारण इसकी जो स्पीड है वो भी इंपैक्ट करती है और इसकी डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट होती है, हमेशा याद रखना टेम्परेट साइक्लोन की। ठीक है, अब हम बॉम्ब साइक्लोन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बॉम्ब साइक्लोन कैसे था, न्यूज में था, उसको अच्छे से कवर करेंगे। उसको समझने के लिए हम बात करते हैं पोलर वर्टेक्स के बारे में। पोलर वर्टेक्स अगर ये कंसेप्ट समझ गए ना तो ये जितने भी बॉम्ब साइक्लोन सारी चीजें हैं सब समझ जाओगे कैसे फॉर्म्ड होता है। आइए मैं आपको बता देता हूं, ये पोलर वर्टेक्स बहुत ही कम स्टूडेंट है जिनको चीजें समझ में आएंगी, बट मैं अभी आपको थोड़ा सा, मुझे अगर आप टाइम दोगे तो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से कंप्लीटली कवर कर दूंगा, एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ ना आए। पोलर वर्टेक्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ही कहीं पर भी साइक्लोन आता है न्यूज में आ जाता है टेम्परेट साइक्लोन के आते ही। ठीक है, जल्दी से आ जाइए फटाफट, एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिए सभी स्टूडेंट, कम ऑन फास्ट लाइक शेयर जरूर कर दीजिए एक बार फटाफट, कम ऑन गाइस सभी स्टूडेंट, क्योंकि अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पोलर वर्टेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब पॉइंट बनता है पोलर वर्टेक्स है क्या। पोलर वर्टेक्स इज अ पोलर वर्टेक्स इज अ अपर लेवल लो प्रेशर सिस्टम ओवर द अर्थ पोल, जो अर्थ के पोल्स वाले एरिया है वहां पर जो लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो जाता है उसी को पोलर वर्टेक्स बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर क्या बात करते हो यार, आप अपनी ही स्टेटमेंट को कॉन्ट्रेडिक्ट क्यों करते हो। मैं बोलूंगा भाई क्यों, ऐसा क्या किया मैंने। अब आप बोलोगे सर अभी आपने हमारी प्रेशर बेल्ट पढ़ाई, आपने पढ़ाया कि यहाँ पर ये इक्वेटर है, ये सब ट्रॉपिकल है, ये सब पोलार है और ये पोलार है, यहाँ पर आपने लो प्रेशर पढ़ाया, यहाँ पर आपने हाई प्रेशर पढ़ाया, आपने यहाँ पर लो प्रेशर पढ़ाया, तो यहाँ पर तो आपका हाई प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, कहाँ पर, पोल पर, आपने क्या डेफिनेशन दी है, पोलर वर्टेक्स इज अ अपर लेवल लो प्रेशर सिस्टम ओवर द अर्थ पोल, अर्थ के पोल पर आप लो प्रेशर सिस्टम बता रहे हो पोलर वर्टेक्स के टाइम पर। यस, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूं जो आपको बिल्कुल क्लियरली चीजों के साथ समझ में आ जाएगा। पोलर वर्टेक्स है क्या, कभी आपने, आपके घर पर वॉश बेसिन होगी, सिंक होगी जहां पर आप घर के जो बर्तन है वो धोते हैं, आप उस एरिया में क्या कीजिए, वहां पर जहां से वाटर आउटलेट होता है उस सिंक के पाइप से उसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद आप वहां से उस एरिया को वाटर से फिल कर दीजिए उस सिंक को, और उसके बाद उसको ओपन कीजिए, तो आप देखोगे वाटर इस तरीके से सर्कुलेट करता हुआ उस सिंक में नीचे की तरफ आपका जाना स्टार्ट हो। सेम इसी तरीके से अपर लेवल ऑफ द ट्रोपोस्फेयर और कहीं कहीं पर स्ट्रेटोस्फेयर तक भी पहुंच जाती हैं चीजें, वहां पर इस तरीके से विंडलिंग करते हुए आपको वहां पर विंड दिखेंगी और वो एरिया होगा लो प्रेशर का और वहां पर फॉर्म्ड होगा पोलर वर्टेक्स। ये क्यों फॉर्म्ड होता है, कैसे फॉर्म्ड होता है, उन सभी चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं पोलर वर्टेक्स में, क्योंकि ये टॉपिक सही में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको समझ में आना चाहिए और मैं चाहता हूं कि क्लियर भी हो। आइए जल्दी से मैं बात करता हूं कि सारी चीजें कैसे होंगी, क्या क्या होंगी। अब इस इमेज को देखिए, यहां पर है आपका पोलर वर्टेक्स, ये जो पोल वाला एरिया है यहां पर ये बनता है आपका पोलर वर्टेक्स। ठीक है, यहां पर पोलर वर्टेक्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर भी बनेगा और सदर्न हेमिस्फीयर भी पोल पर बनेगा पोलर वर्टेक्स। ये वाला जो एरिया है ये लो प्रेशर वाला एरिया है, याद रखें। अब पॉइंट बनता है कि सर इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, याद रखें। आइए पीछे की तरफ, सबसे पहले आइए आइए यहां देखिए गाइज, इस पोलर वर्टेक्स का फॉर्मेशन कैसे होगा। यहां पर नॉर्थ पोल है, यहां पर बना हुआ है हमारा पोलर वर्टेक्स और यही पोलर वर्टेक्स होता है लो प्रेशर एरिया। यही पोलर वर्टेक्स क्या होता है, लो प्रेशर एरिया होता है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। दैट मींस अपर ट्रोपोस्फेयर में लो प्रेशर डेवलप हो जाता है इस वाले एरिया में यहां पर। अब पॉइंट आपको बहुत इंटरेस्टिंग
और अच्छे से समझ में आएंगी सारी चीजें, कैसे होगा, क्या क्या होगा, यहां से इधर से कौन सी एयर जा रही है, आप खुद बताइएगा, यहां से कौन सी एयर जाएगी, इस 30 डिग्री से यहां पर कौन सी एयर जाएगी, यहां पर 30 डिग्री से कौन सी एयर आएगी, यहां पर 30 डिग्री से आएगी वॉर्म एयर, यहां पर कौन सा एयर मास है, वॉर्म एयर मास है, समझने की कोशिश करना, 30 डिग्री से कौन सा एयर मास जाएगा, वॉर्म एयर मास जाएगा, क्लियर है, और 60 डिग्री से कौन सा आएगा, कोल्ड एयर मास, आप देख रहे हो ना, यहां से वॉर्म एयर मास जा रहा है 30 डिग्री से, और यहां से कौन सा आ रहा है, कोल्ड एयर मास आ रहा है 90 डिग्री से, पोलर ठंडा एयर मास है, अब यहां से वॉर्म एयर मास, यहां से कोल्ड एयर मास, ये वॉर्म एयर मास राइज करेगा ऊपर की तरफ, राइज कर करके ऊपर की तरफ आ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा राइज करके इस तरीके से, ये वॉर्म एयर मास जब ऊपर की तरफ राइज करेगा, क्योंकि दोनों मिलेंगे गर्म है, ये राइज करेगा, तो राइज करके यहां पर जो पोल वाला एरिया है, यहां का जो वॉर्म एयर मास इस कोल्ड एयर मास से टकराएगा, तो ऊपर वाले हिस्से में ये वॉर्म एयर, यहां से देखिए, यहां से 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री से वॉर्म एयर मास, 90 डिग्री से कोल्ड एयर मास, 60 डिग्री पर दोनों मिले, वॉर्म एयर मास टकराया, हल्का है, ऊपर की तरफ राइज करना स्टार्ट करेगा, और जब राइज करना स्टार्ट करेगा तो नीचे की तरफ तो गर्म ठंडी हवा हो जाएगी, तो नीचे की तरफ जो ठंडी हवा है तो ग्राउंड पर क्या हो जाएगा, ग्राउंड पर तो हाई प्रेशर हो जाएगा क्योंकि कोल्ड एयर है, और ऊपर की तरफ वार्म एयर है, और वार्म एयर होने के कारण ऊपर की तरफ लो प्रेशर हो जाएगा, और जब ऊपर की तरफ लो प्रेशर हो जाएगा, यही तो पोलर वर्टेक्स है, कि ऊपर की तरफ हो गया लो प्रेशर और नीचे की तरफ हो गया हाई प्रेशर, ये कंसेप्ट आपको चीजों के साथ समझ में आ गया हो, किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, क्लियर है, तो ये हो गया हमारा पोलर वर्टेक्स, और ये पोलर वर्टेक्स कहां पर फॉर्म्ड होता है, याद रखना, यहां पर 60 डिग्री पर एक जेट स्ट्रीम है, 60 डिग्री पर एक जेट स्ट्रीम है, क्लियर है, 60 डिग्री पर ये जेट स्ट्रीम है, ये जेट स्ट्रीम क्या करती है, बहुत अच्छे समझना, 60 डिग्री पर ये जेट स्ट्रीम है जो है आपकी सब पोलार जेट स्ट्रीम, ये जेट स्ट्रीम क्या करती है, बाउंड्री क्रिएट करती है, मतलब यहां पर जो आपका पोलर वर्टेक्स का वार्म एयर ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हुई है, यहां पर ये कोल्ड एयर मास है और यहां पर ये वार्म एयर मास है, ये 60 डिग्री क्या कर रही है, इसको एक बाउंड्री बना रही है, समझने की कोशिश करना, जो नॉर्थ पोल है, पोलर वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, पोल पर वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब विल्डिंग मूवमेंट, तो अब क्या हो रहा है कि हमारी जो ये वार्म एयर ऊपर की तरफ उठी है, अब हमारी अर्थ क्या क्या है, रोटेशन हो रहा है, और रोटेशन कैसे कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन कर रही है, एंड ड्यू टू दैट रोटेशन हमारी जो ये वार्म एयर ऊपर उठी थी, अब ये भी एक वर्टेक्स की फॉर्म में घूमना स्टार्ट कर देगी पोलर एरिया पर, हमारे पोलर एरिया पर घूमना स्टार्ट कर देगी, और ये कहां तक एक्सटेंड होगी, इट इज एक्सटेंड अप टू द अपर ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के अपर लेवल पर, और अपर लेवल पर वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करेगी, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट में काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, और आपको पता है ये अपर ट्रोपोस्फेयर में और अप टू द स्ट्रेटोस्फेयर में आपको देखने को मिलेगी, क्लियर, अब क्या होता है गाइस, जब समर सीजन होता है तो समर सीजन में प्रेशर बेल्ट ऊपर की तरफ आती है, समर सीजन में सन कहां पर आ जाता है, नदन हेमिस्फीयर में, तो प्रेशर बेल्ट भी नदन हेमिस्फीयर में आ जाता है, प्रेशर नदन हेमिस्फीयर में, अब क्या कंडीशन होगी, ये तो समर सीजन में प्रेशर बेल्ट ऊपर है, तो जेट स्ट्रीम हमारी यहां पर है 60 डिग्री लैटिट्यूड पर, जेट स्ट्रीम यहां पर है 60 डिग्री लैटिट्यूड पर जब विंटर सीजन आएगा तो विंटर सीजन में क्या होगा, सन कहां पर होगा, सदर्न हेमिस्फीयर पर, सन कहां पर होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में, समर विंटर सीजन में क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में सन होगा, अब सन सदर्न हेमिस्फीयर में होगा विंटर सीजन में, तो हमारी प्रेशर बेल्ट भी शिफ्ट करेंगी, प्रेशर बेल्ट भी नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगी, कहां पर, साउथ में नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगी, तो जो जेट स्ट्रीम 60 डिग्री पर था, जो जेट स्ट्रीम 60 डिग्री पर था, अब ये जेट स्ट्रीम नीचे की तरफ बनेगा, यहां पर बन जाएगा, तो जो यहां पर हमारी कोल्ड एयर थी, जो हमारी यहां पर आकर इस तरीके से ये वाला हिस्सा है, यहां पर ये कोल्ड एयर अब कहां पर एंटर कर जाएंगी, इस नीचे की तरफ, यहां तक ये कोल्ड एयर आ जाएंगी, आपको याद रखना है, यहां तक इस वाले एरिया में ये कोल्ड एयर आके एंट्री कर जाएंगी इस पूरे एरिया में, क्यों, क्योंकि जब विंटर में हमारी प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होगी तो ये वाला एरिया भी इस तरीके से नीचे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि जेट स्ट्रीम जिसका फॉर्मेशन यहां पर हो रहा था, अब वो जेट स्ट्रीम यहां पर फॉर्म होगा, तो जेट स्ट्रीम क्या कर रही थी, बैरियर क्रिएट कर रही थी कि ये वाली जो एयर है ये यहां से राइज हो रही है,
तो सरफेस पर ठंडा नहीं था, अब जब जेट स्टीम यहां पर शिफ्ट हो चुकी है तो अब ये कोल्ड एयर यहां तक आ जाएगी, और कोल्ड एयर यहां पर आने के बाद वार्म एयर यहां से राइज होगी। तो जो कोल्ड एयर का एरिया इतना था, अब वो कोल्ड एरिया यहां तक आ जाएगा, और इसी वजह से जब ये कोल्ड विंड, समझने की कोशिश करना, जो जेट स्ट्रीम यहां पर थी, ये जेट स्ट्रीम जो यहां वाले पार्ट पर थी, यहां पर ऊपर वाले हिस्से में पोलर वर्टेक्स था, तो यहां पर एक बैरियर बना हुआ था, यहां पर एक बैरियर बना हुआ था इस वाले हिस्से की, तो कोल्ड विंड इससे नीचे नहीं आ पा रही थी। बट जब हमारी प्रेशर बेल्ट विंटर में साउथ में शिफ्ट हो जाएगी, तो जेट स्ट्रीम साउथ में शिफ्ट हो जाएगी। अब साउथ में शिफ्ट होने के कारण जो यहाँ की कोल्ड विंड है, अब वो नीचे की तरफ साउथ में आना स्टार्ट हो जाएगी, और जब वो साउथ में आना स्टार्ट हो जाएगी, पोलर ठंडी विंड, तो जो नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन है, कहाँ पर, कनाडा में, यूएसए में, वहां पर क्या होगा, वहां पर आपको इंटेंस ठंड देखने को मिलेगी, और उन एरियाज का जो टेम्परेचर है वो -50, -60, -40 डिग्री पहुंच जाएगा। और जो बॉम साइक्लोन है वो इसी वजह से होता है कि जो विंटर सीजन में जो पोलर वर्टेक्स का फॉर्मेशन हुआ है हमारा, उस पोलर वर्टेक्स के कारण जो नीचे के आपकी कोल्ड विंड है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, और ऊपर की तरफ आपका लो प्रेशर फॉर्म्ड हो जाता है। याद रख, समझ में आ गया, क्लियर है? हमेशा याद रखना कि जो जेट स्ट्रीम है वो विंटर में स्ट्रॉन्गेस्ट, जेट स्ट्रीम विंटर में स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो ज्यादा हो जाता है, कब, विंटर सीजन में, उसके कारण जेट स्ट्रीम स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाती है विंटर सीजन में। और समर सीजन में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है एरिया का, वो कम हो जाता है नदर्न हेमिस्फेयर में, जिसके कारण जेट स्ट्रीम की स्पीड भी वीक हो जाती है, और उसी के साथ साथ शिफ्टिंग भी होती है आपका विंटर और समर सीजन में। क्लियर है? तो जो समर सीजन है वहां पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस कम है, जिसके कारण जेट स्ट्रीम वीक है, और जेट स्ट्रीम वीक है तो क्या होगा, हमारा जो साइक्लोन है वो आपका क्या होगा, आपका फॉर्म्ड नहीं होगा नीचे के हिस्से में, पोलर वर्टेक्स ऊपर की तरफ तो है बट नीचे के हिस्से में तो शिफ्ट नहीं होगा। बट जब हमारी विंटर में नीचे की तरफ प्रेशर बेल्ट जाएंगी, जेट स्ट्रीम भी नीचे साउथ में शिफ्ट होगी, और उसके कारण जो कोल्ड विंड है वो भी आपकी एंटर कर जाएंगी हमारे कॉन्टिनेंट की तरफ, यूएसए कनाडा की तरफ, और वहां पर ठंड आएगी, वहां पर वॉर्म साइक्लोन आएगा, मतलब कि बहुत ठंडी स्नोफॉल देखने को मिलेगी ड्यू टू द लो इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के कम होने के कारण। अब बताइए कितने स्टूडेंट को चीजों को समझ में आ गया होगा, क्लियर? किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी किसी भी तरीके से, क्लियर है? तो हमेशा याद रखना जो पोलर वर्टेक्स का इंपैक्ट है वो विंटर में आपका स्ट्रॉन्गर होगा, विंटर में स्ट्रॉन्गर होगा। क्यों? क्योंकि विंटर में जेट स्ट्रीम नीचे चली जाती है यहां पर, क्योंकि प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होगी, जेट स्ट्रीम भी शिफ्ट होगी, जिसके कारण शिफ्ट होने के कारण जो यहां से ऊपर से कोल्ड एयर, नीचे से वार्म एयर, और इसके बीच में बैरियर है जेट स्ट्रीम, अब ये बैरियर इंस्टीट ऑफ दैट पोजीशन यहां पर आ चुका है, तो एक कोल्ड विंड और अंदर तक एंटर करेंगी इस एरिया तक, जिसके कारण क्या होगा, वो नीचे कनाडा और यूएसए के नदन पार्ट पर आ जाएंगी और इंपैक्ट करेंगी। समझ में आ गया? पोलर वर्टेक्स क्या है, अपर ट्रोपोस्फेयर है, एक्सटेंड कहां तक होता है, स्ट्रेटोस्फेयर तक हो जाता है। कहां पर देखने को मिलता है, ट्रोपोपॉज पर देखने को मिलता है। यहां पर क्या होगा, वार्म एयर राइज करेगी, तो ऊपर वाला एरिया है जो अपर ट्रोपोस्फेयर में, वहां पर क्या होगा, आपका लो प्रेशर बन जाएगा। लो प्रेशर क्योंकि वार्म एयर है वो ऊपर की तरफ राइज कर गई है, और नीचे की तरफ जो सरफेस है उस पर अभी भी हाई प्रेशर है, नीचे के एरिया में अभी भी हाई प्रेशर है, वार्म एयर राइज करके गई है ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ लो प्रेशर है, तो ऊपर की तरफ जो अपर ट्रोपोस्फेयर है वहां पर लो प्रेशर की बात कर रहे हैं हम। अपर ट्रोपोस्फेयर में लो प्रेशर मेंटेन हो जाता है पोलर रीजन में, और नीचे के एरिया में अभी भी हाई प्रेशर है, ये चीज याद रखना। और उसके बाद नीचे कोल्ड तो ऊपर पोलर वर्टेक्स आपका फॉर्म हो जाता है, याद, ठीक है, क्लियर है? वहीं पर अगर आपसे पूछे इंपैक्ट कहां पर ज्यादा होगा, पोलर वर्टेक्स का नदन में, सदन में, तो सदन में कम होगा कंपेयर टू द नदन हेमिस्फेयर, क्योंकि यहां पर जो विंड है ना वो लेस इफेक्टिव है, विंड की स्पीड इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट है, टेम्परेचर का डिफरेंस है, क्योंकि लैंड और वाटर ज्यादा नहीं है, वो ज्यादा नहीं है, विंड की स्पीड भी इतनी इफेक्टिव नहीं है, तो यहाँ पर पोलर वर्टेक्स भी इतना इफेक्टिव नहीं है जितना इस एरिया में है, आपके नदन हेमिस्फेयर वाले एरिया में, ठीक है?
टेम्परेचर डिफरेंस के कारण सारी चीजें होती हैं, जिसके कारण एक रीजनल इम्बेलेंस क्रिएट होता है, जिसके कारण ये विंड मूव होती हैं, और यहाँ पर विंड का कॉन्ट्रास्ट विंटर सीजन में और ज्यादा इम्पैक्ट करता है, जिसके कारण पोलर वर्टेक्स के कारण ये कोल्ड विंड आपको देखने को मिलती है। मैंने पूरा कंसेप्ट आपको पोलर वर्टेक्स का समझाने की कोशिश की है, एंड आई होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। क्लाइमेटोलॉजी आज पूरी कंप्लीट कर दी है मैंने, मैंने टेम्परेट साइक्लोन पढ़ा दिया है, मैंने ट्रॉपिकल साइक्लोन, ईच एंड एवरीथिंग। अब आपसे 5 मिनट बात करनी है, कोई भी स्टूडेंट कहीं नहीं जाएगा, चीजों को सुनेंगे और फिर हम आगे क्या करना है, कैसे करना है, वो आपसे ही पूछ के चीजों को डिसाइड करने वाले हैं। आ जाइए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइए हमारा पॉइंट क्या क्या है। देखिए मेरे पास यहां पर आप बता दीजिए, ओशनोग्राफी, ओशनोग्राफी कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैं ओशनोग्राफी पढ़ाऊं, और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो एनसीईआरटी वाले हैं कि मैं एनसीईआरटी स्टार्ट करूं, ठीक है, और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इन्वायरमेंट वाले हैं कि मैं इन्वायरमेंट स्टार्ट करूं, और ये तीनों चीजें मैं यूट्यूब के लिए पूछ रहा हूं। जल्दी बताइए फटाफट आप लोगों के रिस्पॉन्स से चीजें कैसे कैसे होनी चाहिए, जल्दी से फटाफट, क्योंकि एनसीईआरटी में अलग तरीके से बहुत अच्छे से कवर करने वाला हूं मैं ओशनोग्राफी, क्योंकि जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी कंप्लीट कर दिया विद डिटेल के साथ। ओशनोग्राफी ओशनोलॉजी, एक काम करते हैं, सुनो अब मेरी बात, आपकी भी और मेरी भी दोनों तरीके से चीजों को ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम अभी 12 to 15 लेक्चर है ओशनोग्राफी के, अब हम इस मंथ के अप्रोक्स में हम ओशनोग्राफी कंप्लीट कर लेते हैं, इस मंथ हम ओशनोग्राफी कंप्लीट कर लेते हैं, पूरी कंप्लीट ओशनोग्राफी विद डिटेल के साथ, ठीक है, कंप्लीट ओशनोग्राफी। उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7.5 months हमारे पास हैं प्रीलिम्स के लिए, और एनसीईआरटी का इतना बड़ा रोल है वो मैं दिखाऊंगा। अब की बार ज्योग्राफी एनसीईआरटी से पता है कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 11 क्वेश्चन है एनसीईआरटी से, मैं आपको दिखा दूंगा विद प्रूफ के साथ कि कहां पर ये क्वेश्चन मेंशन है। अब ये मतलब नहीं है कि एनसीईआरटी में अगर 4 statements क्वेश्चन के हैं, चारों के चारों एनसीईआरटी से, उसमें से 3 statements एनसीईआरटी में गिवन है और इतने क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछे। अब मैं एक नए तरीके से नए प्रेजेंटेशन के साथ एनसीईआरटी चाहता हूं, तो इसी वजह से मैं नेक्स्ट मंथ 2 अक्टूबर गांधी जयंती, हमारे फोर फादर्स उनकी जन्मतिथि पर हम स्टार्ट करेंगे आपका एनसीईआरटी, ठीक है, 2 अक्टूबर से। इस मंथ हम पूरा ओशनोग्राफी पढ़ाएंगे, पूरा ओशनोग्राफी विद डिटेल के साथ, पूरा ओशनोग्राफी, और 2 अक्टूबर से हम एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। उसके बाद मैं इन्वायरमेंट स्टार्ट करूंगा, इन्वायरमेंट में स्टार्ट करूंगा 4 अक्टूबर से, देखता हूं मैं कैसे करता हूं, 4 अक्टूबर से इन्वायरमेंट स्टार्ट करता हूं, ठीक है, 4 अक्टूबर से। और जो इन्वायरमेंट की क्लासेस होंगी वो मेरी होंगी सुबह आपकी 11 बजे यूट्यूब चैनल पर, यूट्यूब पर ही पढ़ाऊंगा पूरा कंप्लीट इन्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी 2 अक्टूबर से 9 PM का टाइमिंग रहेगा, और बहुत जल्दी मैं एक 15 मिनट वाली सीरीज आपसे बता चुका हूं, इस 15 मिनट वाली सीरीज को हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, थोड़ा सा कुछ फैमिली इश्यूज के कारण मैं थोड़ा सा एंगेज हूँ, बहुत जल्दी फ्री होते ही अपने एंड से अभी बैच दे रहा हूँ स्पेशल क्लासेस कहीं पर, बट बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से सारी चीजें बहुत एक्सट्रीम लेवल पर हम कवर करेंगे अच्छे से। अगर आपको प्लस के कोर्सेज करने हैं, जितने भी स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन वाले हैं जो लेना चाहते हैं, क्योंकि चीजें पता है क्या है, अगर मुझे स्ट्रक्चर जाना है ना, मुझे एक वेल प्लान्ड के साथ प्रिपरेशन करनी है, एक प्रॉपर प्लानिंग, एक पूरा सिस्टम, कैसे कब पढ़ना है, किस तरीके से चीजों को अरेंज करना है, कौन सी एनसीईआरटी, कौन से सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी लिमिट है, 10 questions आ जाएंगे, 15 questions आ जाएंगे, मेंस में 100 questions का पूछ लेगा, 100 marks का पूछ लेगा, बट आगे वो वेल प्लानिंग वेल स्ट्रक्चर तरीके से मेरी मेंटरशिप गाइडेंस, कौन सी बुक पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, कैसे सारा सिस्टम करना है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर,
उसके लिए अगर आप चाहते हो तो मॉर्निंग में 8 AM से मेरा फिजिकल ज्योग्राफी का बैच चल रहा है, फाउंडेशन और आरंभ बैच है उसके अंदर। अभी मैंने जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट की है मॉर्निंग में, तो इसको कर सकते हो। उसके बाद अक्टूबर में मेरा नेक्स्ट मंथ इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट होने वाला है, वो भी आप कर सकते हो। और सारे बैचेस आपको बहुत डिटेल के साथ मिल जाएंगे, आपको बस AM10 कोड यूज करना है और आप एनरोल हो जाओगे। और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन, टेलीग्राम चैनल है, लिख लीजिए, कोई भी स्टूडेंट कमेंट में मेंशन कर देगा, unacademy_anirudhmalik, वहां पर आपको सारे अपडेट, सारे नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट चीजें प्लस कॉन्टेक्ट नंबर, जहां पर आपको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट है यू कैन कॉन्टेक्ट मी, मैं आपको वहां पर हेल्प कर दूंगा, ठीक है। और ये कोड यूज कर सकते हो। सेल्स टीम किसी का भी कॉल आए, यूज कोड AM10, मेंटरशिप तभी मिलेगी सेल्स टीम के एंड से, कुछ भी इशू नहीं रिजॉल्व होंगे। पॉइंट ये है, तो आप बोल दीजिएगा उनसे कि यही चाहिए, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट है, जैसे भी आपको यहाँ पर हेल्प मिल जाएगी, डिस्काउंट भी मिलेगा प्लस मेंटरशिप और गाइडेंस भी मिलेगी। ये सारे बैचेस हैं, और आई थिंक कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन लेक्चर लेके आऊंगा कल, और 5 सितंबर टीचर डे ओशनोग्राफी स्टार्ट करूंगा आप लोगों के लिए बहुत डिटेल में, ठीक है। ओशनोग्राफी कोई भी स्टूडेंट कहीं नहीं जाएगा, इस सेशन, इस सीरीज को बहुत डिटेल में पढ़िएगा, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ओशनोग्राफी से। तो आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं, बाय, टेक केयर गाइस। पूरी कंप्लीट क्लाइमेटोलॉजी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, लाइक शेयर जरूर कर दीजिए सेशन को। उसी के साथ साथ पोलर वर्टेक्स और जितने भी ये कंसेप्ट हैं वो हमने सारे कवर कर ही लिए। तो अभी का सेशन यहीं खत्म कर रहे हैं, बाय, टेक केयर गाइस, सी यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।